उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस साल अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे करने जा रही है, लेकिन इस बीच यूपी से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दरअसल इन दिनों उत्तर प्रदेश में सरकारी अफसरशाही के चलते न केवल आम आदमी परेशान है, बल्कि नौकरशाह सरकार के मंत्री, सांसद और विधायकों की भी बात नहीं सुन रहे हैं। यह बात योगी सरकार के इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम से पता चली है। इस पोर्टल को IGRS पोर्टल के नाम से जाना जाता है, जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा सकता है। हाल ही के दिनों में आम आदमी के अलावा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने IGRS पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाना शुरू किया है, जिसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। योगी सरकार के मंत्री, सांसदों और विधायकों की शिकायतों से पता चलता है कि प्रदेश में तमाम अफसर नेताओं को तवज्जो नहीं देते हैं और उनके सुझाए गए कार्यों को लेकर भी लेट लतीफी अपनाते हैं। और तो और, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने CM योगी से मुलाकात के दौरान भी अफसरों की शिकायत की है। वहीं अगर शिकायतों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने नगर निगम को कॉलोनी हैंडओवर करने के मामले में IGRS पोर्टल पर एक शिकायत दर्ज कराई है। लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर ने भी IGRS पोर्टल पर कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई विधायक, जिनमें लखनऊ से विधायक सुरेश श्रीवास्तव, विधायक नीरज बोरा, बदायूं के विधायक धर्मेंद्र शाक्य, कासगंज के विधायक देवेंद्र प्रताप, बरेली के विधायक डॉक्टर अरुण कुमार, कानपुर नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी और महोली के विधायक शशांक त्रिवेदी ने भी CM के इस पोर्टल पर अधिकारियों की शिकायत की है। इन सभी नेताओं ने अफसरों की लेट लतीफी, अनदेखी और जनता के नुमाइंदों की बात न सुनने की शिकायत की है। वहीं इस पोर्टल पर शिकायतों के आंकड़ों की बात की जाए तो अभी तक मुख्यमंत्री के इस पोर्टल पर करीब 2,85,00,000 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। प्रदेश के मंत्री, सांसद और विधायकों की शिकायतों के बाद CM सचिवालय ने इस बात को गंभीरता से लिया है। CM सचिवालय ने उन सभी संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जो शिकायतों की अनदेखी कर रहे हैं। सचिवालय ने पूरे प्रदेश के अफसरों को मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की शिकायत सुनने और उनके सुझावों को गंभीरता से लेने की चेतावनी भी दी है। मुख्यमंत्री के सचिवालय ने अफसरों से ऐसी शिकायतों का तुरंत निस्तारण करने की व्यवस्था करने के लिए कहा है। साथ ही शिकायतों पर ध्यान न देने वाले अफसरों को गंभीर परिणाम भुगतने के लिए चेताया भी है। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली योगी सरकार और प्रदेश की नौकरशाही में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा? नेताओं और अफसरों के बीच तालमेल न होने से इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है।